हमारे देश के चुनाव के लिए यस खुदा ताकि आने वाली जो पार्टी परमेश्वर तू जानता है अपने लोगों के लिए पूरी दुनिया के लिए अच्छा क्या और भला क्या है और बुरा क्या है और जो अच्छा है परमेश्वर तू उसको लेकर आ चुका। तो आज हम अपने देश के चुनाव के लिए भी प्रार्थना करेंगे ताकि खुदावन एक ऐसी पार्टी को लेकर आए जो सब लोगों के भले के लिए हो, आने वाले समय के लिए, अमन शांति के लिए, सब माहौल के लिए अच्छी हो। कितने लोग चाहते हैं कैसा हो? कितने लोग चाहते हैं? तो परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है, पता है कि नहीं पता? अगर एलिजा की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने आकाश को बंद कर दिया, 3.5 साल बारिश नहीं हुई, तो क्या आंस नहीं सुनता? सुनता है कि नहीं सुनता? सुनता है ना। तो अपने हाथों को उठाओ, हम अपने देश के लिए एक प्रार्थना करेंगे। सब अपने हाथों को उठाओ। यस खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर हमारे देश के चुनाव के लिए, यस खुदा, ताकि आने वाली जो पार्टी परमेश्वर तू जानता है अपने लोगों के लिए पूरी दुनिया के लिए अच्छा क्या और भला क्या है और बुरा क्या है और जो अच्छा है परमेश्वर तू उसको लेकर आ चुका। तू जानता है परमेश्वर सृष्टि की कोई वस्तु तुझसे छिपी नहीं है, तेरे सामने सब कुछ खुला है। इसलिए खुदाबंद हम अच्छे के लिए प्रार्थना करते हैं और तुझसे मांगते हैं अपने देश के चुनाव के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश में अमन और शांति बनी रहे ताकि आने वाले समय में पिता तेरे लोग तेरी और भी सिद्ध इच्छा में चलकर जो तेरी चाहत है सारा जगत बचाया जाए और सत्य को जाने। यस प्रभु, तू अपनी अनुग्रह से उस पार्टी को लेकर आ चुका है। यस खुदा, लेकर आ चुका है, दुष्ट की सारी युक्तियों को निष्फल कर चुका है, दुष्ट की सारी युक्तियों को निष्फल कर चुका है मेरे प्रभु। यस पिता, मैं श्वास करता हूं, मैं श्वास करता हूं खुदावन, तेरी सामर्थ्य ऐसा हो चुका है। तूने कहा मांगो तो दिया जाएगा। हम मांगते हैं खुदावन, हम मांगते हैं अपने देश के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए, पूरे देश में अमन और शांति रहने के लिए। यस पिता, आने वाले कानून के लिए, हर चीज के लिए खुदा हम मांगते हैं कि उस पार्टी को प्रभु अपने अनुग्रह से आप चुन चुके हो और खुदावंद अपने लोगों का आप भला कर चुके हो, यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया।